जगहा थाना क्षेत्र में रविवार को दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में 9mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। वारदात के दौरान शराब पार्टी मौके पर चल रही थी, मौके से शराब की बोतलें भी मिली हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। आपको बता दें, जगहा थाना क्षेत्र में बरगदवा गाँव के पास गुर्रा नदी के तट पर रविवार को दोपहर लगभग 2:30 बजे दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर 9mm का एक जिंदा एवं 3 फायर हुआ खोखा और एक बाइक बरामद किया गया है। मौके पर रॉयल स्टेग की एक बोतल, पानी की बोतल, चप्पल मिला। माना जा रहा है शराब पीने के बाद वहां पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर में मरने वालों की पहचान रामनगर गड़जहा निवासी 20 वर्षीय कृष्णा निषाद पुत्र राजेंद्र निषाद और 18 वर्षीय दिवाकर पुत्र सुदामा निषाद के रूप में किया है। दोनों गाँव के एक दूसरे के पटीदार हैं। सुदामा निषाद को उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या करने की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कैसे और क्यों हत्या हुई है वह खुद भी नहीं जान पा रहे हैं। वहीं हीरो HF डिलेक्स मोटरसाइकिल एवं मोबाइल व एक ID बरामद हुआ है। ID पर खोराबार क्षेत्र के बहरामपुर निवासी मुकेश पुत्र बुद्धू का नाम है। हत्या की सूचना के बाद थानाध्यक्ष जगहा अनिल कुमार सिंह पहुंचे थे। इसके बाद SP नॉर्थ अरविंद पांडे, क्षेत्राधिकारी अर्चना मिश्रा पहुंच गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया है। ब्लाइंड मर्डर की गांठें खोलने के लिए पुलिस की FSL टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी वारदात स्थल पर तफ्तीश कर रही है। इस संबंध में DIG राजेश जी मोदक ने बताया कि मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DIG राजेश जी मोदक ने कहा, कोई नहीं, आप घबराइए नहीं, ढूंढ निकालेंगे। इधर भैया, इधर आओ, इधर आइए, इधर घटनास्थल करीब करीब आज दोपहर का 3 बजे के आसपास का है और जानकारी मिलने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पे 2 बॉडीज़ मिली है जिनका प्रथम दृष्टया देखने पे ये लग रहा है कि किसी ने इनको मारा हुआ है, बुलेट इंजरी से मरे हुए हैं। 2 बॉडीज़ हैं यहाँ पे, तो इनको मोर्चरी भिजवाया गया है और यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। CO है, कप्तान है, सभी लोग हैं और जो भी सूचना हमको मिली है उसमें से हमको ये लगता है कि हम जल्दी इसको वर्कआउट कर लेंगे। बाकी आप SSP से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमको मिली है उससे हमको जल्दी इसमें वर्कआउट करने में कामयाबी मिल सकती है। देखिए, बेसिकली अभी क्या कारण रहा ये तो अभी पता नहीं, क्योंकि अभी कुछ बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से फायर
का इस्तेमाल करके या गन का इस्तेमाल करके उसको उनको मारा गया है दोनों को, उससे लगता है कि कोई रंजिश रही होगी।